इस चक्रव्यूह में प्रवेश कहां से करोगे वत्स? मैं चक्रव्यूह का निरीक्षण करता हूं और उस स्थान पर पहुंच जाता हूं जहां से प्रवेश करना संभव है। ठीक है वत्स, हम तुम्हारे साथ होंगे। प्रधान सेनापति, जब वत्स अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाए, आप दूसरे योद्धाओं समेत वहां पहुंचे। जो आज्ञा। जाओ वत्स, जाओ, यशस्वी भाव। चलो सारथी। चलो सारथी। Let's go.
सावधान आचार्य। सावधान मद्र नरेश। सावधान कुलगुरु। सावधान अंगराज कर्ण। सावधान गुरुपुत्र अश्वत्थामा। सावधान मामा श्री शकुनी। छोटे ताऊश्री। सावधान ताऊश्री। कृपाचार्य अश्वत्थामा कृत वर्मा दुशासन कर्ण, मुझे इसकी मृत्यु चाहिए। आक्रमण। सावधान। श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे भारद्वाज पुत्र, मैं आपके प्रिय शिष्य महारथी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप वो सारे नियम भूल चुके हैं जो स्वयं आप ही के प्रधान सेनापति गंगा पुत्र भीष्म ने बनाए थे? क्या यह नियम नहीं बना था कि एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा? युद्ध कर बालक, तेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तेरे बाहर जाने का द्वार बंद हो चुका है। जो वीर होते हैं वो भागने का मार्ग खोजते भी नहीं ताऊश्री। यदि आप लोग कायर नहीं तो द्वंद्व युद्ध कीजिए,
हे आचार्य वर, मैं भी श्री श्री वासुदेव कृष्ण जैसे गुरु का शिष्य हूं। ये ना समझिएगा कि यदि आप एक साथ आक्रमण करेंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध करूंगा, अवश्य युद्ध करूंगा। मैं तो केवल यह चाहता था कि आने वाला कल आप जैसे महारथियों की गिनती कायरों में न करें, क्योंकि आप में से कोई मेरे पिता श्री का गुरु है, कोई गुरु पुत्र है, कोई भाई है, कोई मित्र है। हे भगवान, वहां अभिमन्यु भारतवर्ष के अनेक महारथियों के बीच अकेला पड़ गया है। उनमें से एक एक योद्धा 100-100 सेनाओं के बराबर है। सब रणनीति में निपुण है। मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा, पता नहीं मैं रहूं
अकेला ही लड़ा, साथ साथ के साथ, और वीर गति पा गया, झुका गर्व का मान।